Okay, welcome to the session and good afternoon to all of you. Good. काफी सारे स्टूडेंट्स वैसे जुड़ चुके हैं, बाकी लोग रात को देखेंगे. ओके, चलो स्टार्ट करें. तो चैप्टर नंबर 6 में आज हम बात करने वाले हैं कुछ अनदर प्लेसेस की जो हमने कल नहीं किए थे कवर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो लेक्चर है दैट इज विद ताजमहल. Okay, so Taj Mahal is located at Agra in UP, Uttar Pradesh, on the bank of river. Taj Mahal is one of the 7 wonder of the world. है ना, अजाइबियों मानी एक अजाइबी है. 7 wonders में से एक wonder उस हमारे इंडिया का ताजमहल है. It was constructed by the Mughal king of Shah Jahan in the memory of his queen Mumtaz Mahal. उनके बेगम का नाम था मुमताज महल. उनकी मेमोरी में उन्होंने ये जो ताजमहल है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था. Now, Mumtaz Mahal died in 1630. After her death, the construction of Taj Mahal started, and in 1631, and it was completed in 1653 after 22 years. 22 years लगे उसको बनाने में, है ना? Shah Jahan used expert Indian sculptures beside Iranian, Arabian, Turkish, and European sculptors and artisans were also engaged in the constructions of Taj Mahal. इंडिया के जो फेमस थे वो स्कल्पचरर को तो बुलाया उन्होंने, बट ईरानियन, अरेबियन, तुर्किश, यूरोपियन सब जगह के जो कारीगर थे वो सबको वहाँ पे उन्होंने इकट्ठा किया और फिर इसका कंस्ट्रक्शन करवाया. और ऐसा भी माना जाता है कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद सबके हाथ काट दिए, ताकि ये हिस्ट्री ये प्रूफ देती है. ओके, ताकि दूसरे लोग ऐसा बना ना सके. ताजमहल इज counted as one of the best tombs in the world. Due to this tomb, the name Mumtaz Mahal has become immortal, and this was the innermost wish of the Shah Jahan. है ना कि immortals मतलब कि फेमस हो जाना. मुमताज के लिए बनाया तो मुमताज का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया. उनके मरने के बाद शाहजहां ने बनाया, फिर भी नाम किसका फेमस हुआ? मुमताज का, क्योंकि मुमताज के लिए बनाया था. Then और यही एक विश थी शाहजहां की कि भाई उनकी बेगम पूरी दुनिया में जानी जाने पहचान होनी चाहिए उनका. ओके, आगे की बात करें तो द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल इज स्प्रेड इन अ रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड द ग्रेव ऑफ मुमताज लाइज इन द सेंटर ऑफ द ताज. ग्रेव मतलब की कबर, वो सेंटर ऑफ ताजमहल में है. Now it is surrounded by the beautiful octagonal fences. उसके ऊपर octagonal shape में fences लगाई गई है. Okay, and that is carved out of the stone. वो fences जो है वो stone में से carve की गई है. वो iron या लोखंड में से नहीं बनाई गई है carving. ये stone में से बनाई गई है पूरी, है ना, fencing. Now a beautiful saying inscribed on one of his arches. उसकी जो दीवाल होते, पिलर जो होते, उसके ऊपर लिखा गया है कि Pious hearts are welcome in the garden of paradise. Paradise मतलब स्वर्ग, garden यानी बगीचो, and pious hearts मतलब दिल, heart मतलब दिल, और पवित्र, pious मतलब पवित्र. तो ऐसा होता है कि पवित्र दिलों का स्वर्ग के बगीचे में स्वागत है, ऐसा एक सेंटेंस लिखा गया है. Then so the architectures of the Taj glorified rich heritage of the India, और इसीलिए तो 7 wonders में से एक wonders चुना गया इसको. And the grandeurs of the Taj attracts the thousands of the peoples every year. है ना, grandeurs मतलब कि उसकी जो fame है, उसकी बाकी culture activity है, उसका जो fame है उसकी वजह से thousands of लोग वहाँ पे पूरे साल में क्या करते हैं? मुलाकात लेते हैं और tour जाते हैं, एक बार तो visit करते ही है. Not only Indians but foreigner also. फिर जो लाल किले की बात हो रही थी कल, बट वो कल आगरा वाला था, लेकिन जो दिल्ली में लाल किला है, यहाँ से हमारे नेशनल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, खास करके 26 जनवरी एंड 15 अगस्त. तो वो रेड फोर्ट की बात करते हैं, लाइक दिस वन. रेड फोर्ट लोकेटेड एट द दिल्ली वॉज बिल्ड बाय द शाहजहां इन 1638, एंड दिस फोर्ट इज मेड ऑफ द रेड स्टोन, इसीलिए उसको लाल किला बोला जाता है. देन शाहजहां founded a city namely Shahjahanabad in the same fort. ये लाल किले के अंदर उन्होंने एक पूरा सिटी बनाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद, एंड विच वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. उनके ही नाम से उस सिटी का नाम दिया गया था. दिस फोर्ट इंक्लूड्स दीवाने आम. इसके अंदर क्या था? किले के अंदर क्या आता था, तो सिटी के अंदर इन लोगों ने अलग अलग बिल्डिंग्स बनाए थे। जैसे बिल्डिंग का नाम था दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ओके, ऐसे कुछ अलग अलग बिल्डिंग्स थे। दीवाने आम, दीवाने खास, उनकी जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जो होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के जो भी वर्कर्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए बनाया गया था। देन दीवाने खास इज अ मोर मैग्निफिकेंटली डेकोरेटेड देन द अदर बिल्डिंग। जितनी भी बिल्डिंग्स पूरी सिटी में बनी थी उसमें सबसे ज्यादा डेकोरेशन किस पे किया गया था, दीवाने खास। इट इज डेकोरेटेड विद द एमालगनेशंस ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, है ना, सोने चांदी की तो कीमत ही नहीं थी, दीवालों में झड़ दिया था, बोलो, है ना, विद द प्रीसियस स्टोन, और काफी प्रीसियस स्टोन उसके अंदर लगाए गए थे। द अदर बिल्डिंग ऑफ द रेड फोर्ट आर रंग महल, दीवाने खास, दीवाने आम तो है ही है, उसके अलावा रंग महल है, मिरर प्लेस, आईना महल बोलते हैं जिसको, आईना महल ऑफ मुमताज, है ना, तो एक्चुअली मैंने प्लेस बोला, पैलेस, मिरर पैलेस, आईना महल, देन जो पूरे कांच में से बनाया गया होता है ऐसा माना जाता था, मैंने नहीं देखा अभी तक। देन लाहौरी गेट इज दैट, देन मीना बाजार, बोलते हैं ना दिल्ली का मीना बाजार बहुत फेमस है, देन और वो मीना बाजार भी है। फिर एक मुगल गार्डन था, उन्होंने अपनी सिटी के लिए बनाया गया था। तो ये सारी चीजें अट्रैक्टिव थी, विच आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रेड फोर्ट। पीकॉक थ्रोन इज द बेस्ट एक्सिक्वाइट्स क्रिएशन ऑफ द फोर्ट एंड पीकॉक थ्रोन मतलब कि मयूर आसन, पीकॉक यानी मयूर मतलब कि मोर, उसका एक पूरा आसन, थ्रोन मतलब आसन, बैठने की जगह, उसके ऊपर नीचे क्या हो, मयूर का सेफ हो, ऐसा एक पूरा पीकॉक थ्रोन था। बहुत ही आर्किटेक्टिक मैनर्स में बनाया गया था, क्रेविंग करके। लेकिन एक नदीर शाह करके थे, वो ईरान ले गए अपने साथ लूट के, है ना, बाकी वो भी रेड फोर्ट के अंदर था। रेड फोर्ट इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग अमॉन्ग द मुगल आर्किटेक्चर। मुगल राजाओं ने जो जो भी आर्किटेक्चर्स बनाया उसमें से सबसे आउटस्टैंडिंग जो आर्ट था वो था इसमें, रेड फोर्ट के अंदर। Every year our Indian flag hoisted on the Red Fort on the national festival, है ना, लाल किले पे हम हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट करते हैं एवरी ईयर नेशनल फेस्टिवल के दौरान। फिर फतेहपुर सिकरी इन 26 miles away from the Agra in a UP, Akbar has founded this city in the memory of Sufi and Sheikh Salim Chishti. He made it his own capital city, है ना, उनके जो सूफी सेंट थे शेख सलीम चिश्ती, उनके मेमोरी में, उनके यादगिरी में 26 माइल आगरा से दूर यूपी में अकबर ने एक सिटी बनाया, ओके, जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ द सिकरी वाज स्टार्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिकरी वाज स्टार्टेड इन 1569 एंड कंप्लीटेड इन 1572। पूरी सिटी बनने में 3 साल लग गए। एंड द बेस्ट बिल्डिंग अमॉन्ग देम इज पैलेस ऑफ बीरबल, है ना, अकबर का खास बंदा था बीरबल, तो बीरबल के लिए उन्होंने पैलेस बनाया था, पैलेस ऑफ बीरबल। गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, उनके बेगम थे मरियम, उनके लिए उन्होंने गोल्डन पैलेस बनाया था। पैलेस ऑफ तुर्की सुल्तान, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा आप देख सकते हो, ये दरवाजा है अंदर जाने का सिटी का। अब ये भी इतना बड़ा लग रहा है तो सोचो कि सिटी के अंदर क्या क्या होगा उस टाइम पे, है ना, कितने सारे यहाँ पे स्टेप्स है और ये कितने छोटे साइज के लग रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो ये कितना हाई होगा, समझ में आया। चलो ऐसा कोई आपको घर बना के दे दो, दरवाजा नहीं, घर बना के दे दो। चलो, सो बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सिकरी इज 41 मीटर वाइड, सिर्फ दरवाजा 41 मीटर चौड़ा था। एंड उसकी जो हाइट है वो तो मैंने भी बता दिया कि जस्ट कंपेयर करो, इतना ह्यूमन बींग्स दिख रहा है तो कितना बड़ा होगा, 50 मीटर हाई। जैसे बताया 3 मीटर का एक फ्लोर होता है, तो 50 डिवाइड बाई 3 करे तो 16 से 17 फ्लोर तक का हाइट था उसका, सिर्फ दरवाजे की, है ना। सो द अदर वेल नोन रिमार्केबल बिल्डिंग, यहाँ पे स्पेस लगा देना, रिमार्केबल बिल्डिंग ऑफ सिकरी आर पैलेस ऑफ जोधाबाई, देन पंच महल इज देयर, मतलब कि अंदर पंच महल थे, ओके, पैलेसेस थे। टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, उनके याद में ही पूरा सिटी बनाया था इन्होंने। दीवाने आम, दीवाने खास, मैंने बोला जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के ऑफिसर होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। एंड ज्योतिष महल भी अंदर था, ओके, तो ये सारी चीजें वहां पे अट्रैक्शन खींच रही थी। तो ये हो गई मुगलों की बात, ओके, मुस्लिम किंग्स की बात। वैसे क्रिश्चियन पीपल्स भी इंडिया में रहते थे, है ना, तो खास करके गोवा, है ना। तो गोवा में चर्चिस काफी फेमस है, आप लोग पता है कि गोवा जाते हो तो फिर जाते नहीं हो लेकिन चर्चिस में जाना चाहिए, है ना। आप लोगों का अट्रैक्शन पॉइंट कुछ अलग ही होता है ना। चलो कोई बात नहीं, यू गुजराती पीपल्स चलो ध्यान दो, है ना। तो चर्चिस ऑफ द गोवा, द क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू द इंडिया विद द पोर्टुगीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ओके, क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब कि उनके जो धर्म गुरु थे वो लोग इंडिया में आए, है ना, और विद द पोर्टुगीज, और उनका मेन एम था क्या, क्रिश्चियनिटी बताना, अपने रिलीजियंस को आगे ले जाना। गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज। जब इंग्लिश पीपल पूरे इंडिया में राज कर रहे थे तब गोवा को कौन लेके बैठा था, पोर्टुगीज, है ना। थ्रू आउट जितने टाइम इंग्लिश पीपल रहे ना उतने टाइम पोर्टुगीज भी रहे इंडिया में। हाँ, उन्होंने हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। इंग्लिश पीपल ने क्या किया, एक एरिया में नहीं डटे रहे, फैलने गए, और इसमें फिर उनको काफी सारी स्ट्रगल्स हमारे सामने करनी पड़ी, हमें उनके सामने करनी पड़ी। बट गोवा का पूरा जो इलाका था वो कौन रन कर रहा था, पोर्टुगीज पीपल्स। हाँ, जैसे इंडिपेंडेंस का लोगों को समझ में आया फायदा, वैसे पोर्टुगीज लोगों को भी जाना पड़ा इंडिया छोड़ के। मैनी ऑफ द चर्चेस वर बिल्ड इन द गोवा, है ना। जैसे उनका मेन एम क्या था, क्रिश्चियनिटी बढ़ाना, इसलिए वो टेम्पल बनाएंगे ही बनाएंगे। देन तो उन्होंने काफी सारी चर्चेस बिल्ड की, एंड लाइक चर्च ऑफ बेसालिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसालिका ऑफ गॉड जीसस एंड आर इन ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा मतलब कि उस टाइम का जो गोवा का रीजन था उसके अंदर ये दोनों चर्चेस है। ओके, मैं भी गया हूँ। चर्चेस सब एक जैसे ही होते हैं लेकिन अंदर उनके गॉड का मेन गॉड जो होता है अलग अलग गॉड्स के लिए वो बनाते हैं। देन तो इस टाइप का आपने बिल्डिंग देखा होगा ना चर्चेस का, काफी वेल फेमस चर्चेस है गोवा के। एक इसका है बेसालिका बॉम जीसस चर्चेस है, चर्च है गोवा का। Now the relics of the Saint Francis Xavier is kept. Relics मतलब कि मूर्त देह, उनका डेड बॉडी, okay, is kept in the coffin. Coffin मतलब पता है ना, Christian peoples को पेटी में बंद कर दिया जाता है उनके बॉडी को. So that coffin in a church of the Goa. Church of the Goa में उनका मूर्त देह, डेड बॉडी अभी भी है। सोचो कितने साल पहना हुआ है ना। लोग बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि साल में एक दिन उनका जब फेस्टिवल होता है तब उसको बाहर निकाला जाता है। तो इन काफी सारे लोग चर्च में उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ लेकिन अब थोड़ा थोड़ा डिकम्पोज हो रहा है बॉडी। तो सोचो कैसा होगा, कमाल। साइंस के तौर पे अगर सोचे तो इतने लंबे टाइम तक डेड बॉडी रह पाना डिफिकल्ट है, बट वो गॉड का डेड बॉडी है अभी भी। अभी भी फिंगर्स दिखने मिलते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स बॉडी के दिखने मिलते हैं, है ना। सो हैज His dead body has not decayed even after so many years. Besides, there are many churches in the Goa, and it is well renowned for its beautiful beaches as well as artistic churches. उसके चर्चेस जो थे वो काफी आर्किटेक्ट मैनर में थे, लेकिन लोग आजकल सिर्फ चर्चेस में जाके बाहर निकल के बीचेस पे चले जाते हैं, है ना। तो वो अपने बीचेस के लिए भी काफी फेमस है। समझ में आया? हाँ, अब आई चंपानेर की बात, है ना। फट फट पढ़ना ही होगा, सब कुछ आपको पता होगा क्योंकि हम वही टाउन से पढ़ रहे हैं। सो चंपानेर इज सिचुएटेड इन द फुट हिल ऑफ पावागढ़ एट हालोल तालुका इन अ पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। आफ्टर विक्ट्री ऑफ चंपानेर, मोहम्मद बेगड़ा गेव इट पोजीशन ऑफ कैपिटल एंड नेम्ड इट मोहम्मदाबाद। यहाँ पे विक्ट्री हासिल करने के बाद मोहम्मद बेगड़ा ने इसको अपना कैपिटल बना लिया। आपने देखा होगा चंपानेर, है ना। चलो, मोती मस्जिद इज देयर, जामा मस्जिद इज देयर। ये जामा मस्जिद का फोटो है, आपने देखा होगा। 20 रुपीज टिकट देके अंदर गए हो गया, है ना। सिक्योरिटी रहता ही है, नहीं गए आप फ्री में भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। देन फिर हिस्टोरिकल फोर्ट्स आर देयर, आर डिफरेंट बिल्डिंग्स इन द चंपानेर। इसके अलावा 7 कमान, जैसे पावागढ़ पे जाते काफी कुछ देखने मिलता है, बड़ा तालाब, ये सब कुछ राजा ने ही बनाया है भाई। देन चलो, कंसिडरिंग द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ऑफ द चंपानेर, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड दिस टाउन एज अ साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, है ना। एंड दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर टाउन, आवर स्टेट एंड आवर नेशन। ओके, प्लेसेस यानी कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। गुजरात में और कौन कौन से प्लेसेस है जो काफी इंपोर्टेंस है। तो गुजरात हैज अ फॉरमोस्ट प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ द स्कल्पचर एज वेल एज आर्किटेक्चर्स। Many beautiful architectural styles can be seen here. For example, cave architectures दिखने मिलता है गुजरात में, टेम्पल्स दिखने मिलते हैं, फोर्ट्स यानी किले दिखने मिलते हैं, वाव स्टेप वेल्स दिखने मिलते हैं, मतलब पगथिया वालों को वो स्टेप्स वाला वेल, ओके, फिर आर्चीज दिखने मिलते हैं. नाउ लेट अस नो अबाउट द प्लेसेस ऑफ द कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात. उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धोलावीरा एंड लोथल. तो धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा एंड लोथल वेर मेन सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो जो बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है. जैसे धोलावीरा इज सिचुएटेड इन अ खदीरबेट, भचाऊ तालुका, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भचाऊ तालुका है, वहाँ पे खदीरबेट है, वहाँ पे आपको ये धोलावीरा सिटी मिल जाएगा, है ना. अभी तो बिल्कुल रिंड हो चुका है, टूट गया है ना, एक्सप्रेशंस करके खुदकाम करके निकाला गया था, बहुत पुराना सिटी था ये. तो उसके कुछ ना कुछ रिमेन्स मिले हमें, पूरा सिटी मिला नहीं है, लेकिन उसके रिमेन्स की स्टडी करके हमें पता चलता है कि इट इज वेरी नॉन फॉर आइडियल टाउन प्लानिंग. आज के दिन में हम टाउन प्लानिंग नहीं कर सकते, वैसा टाउन प्लानिंग उस दिनों में था धोलावीरा में. वेर हरप्पन कल्चर वॉज रिनोन्ड एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जहाँ पे धोलावीरा में हरप्पन कल्चर जो है वो इमर्ज हुआ था. और वो किसके लिए फेमस था? ट्रेड एंड दूसरा क्या था? कॉमर्स सेंटर्स, मतलब कि ट्रेडिंग एक्टिविटी गुजरात में ज्यादा होती थी. फ्रॉम दिस पॉइंट 5000 ईयर्स एगो फ्रॉम टुडे बेड मेकिंग फैक्ट्रीज एंड ऑर्नामेंट्स मेकिंग सेल्स वेर फाउंड आउट फ्रॉम द धोलावीरा. 5000 साल पुराने ऑर्नामेंट्स एंड बेड, मतलब कि मणका हीरा मोती का जो काम होता है वो वाले फैक्ट्रीज मिले थे जो 5000 साल पहले यहाँ पे थे, यानी कि यहाँ से वो ट्रेडिंग सेंटर बन गया था. लोथल की बात करें तो अगर आप कभी भी सौराष्ट्र में घूमने जाते हो, सौराष्ट्र की ओर जाते हो, भावनगर साइड जाते हो, तो आपको अहमदाबाद भावनगर हाईवे पे लोथल का एक बोर्ड दिखने मिलेगा. लोथल 50 किलोमीटर, लोथल 40 किलोमीटर, लोथल 30 किलोमीटर, क्योंकि वो काफ़ी फेमस हेरिटेज है हमारा. सो लोथल इज सिचुएटेड नियर अहमदाबाद भावनगर हाईवे इन अ एंड दैट इज अ आर्किटेक्चरल प्लेस विच वॉज मेन सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स अगेन एंड वेल फैसिलिटेड पोर्ट. वो थोड़ा कोस्टल रीजन पे पड़ता है तो इसलिए हम उसको पोर्ट बोलते हैं. एंड हरप्पन कल्चर इन अ एनिशिएंट टाइम, हरप्पन कल्चर का एक काफ़ी एडवांस लेवल का पोर्ट था उस टाइम पे और वहाँ से काफ़ी सारी ट्रेड एक्टिविटी की जाती थी. जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ अ स्टोन इंस्पिरेशंस ऑफ अशोका. अशोक राजा क्या करते थे? स्टोन के ऊपर इंस्पिरेशंस लिखाते थे, लोगों को पढ़ने जैसी चीज़ें, लोगों को समझने जैसी बातें लिखाते थे. बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापराकोडिया, हमने आगे भी पढ़ा था आगे के चैप्टर्स में खापराकोडिया. देन वाव यानी कि स्टेप वेल, ओल्ड राजमहल, नवगन वेल, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान, टॉम्ब ऑफ बहाउद्दीन वजीर, ओके, जो यहाँ पे बताया गया है. टॉम्ब यानी मस्जिद, उनकी बीच में कब्र होती है ना. चलो एक्सेट्रा प्लेसेस आर वर्थ सीइंग. और जब भी ऐसा होता है ना तो आजू बाजू में मीनार भी ये लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो, है ना, यहाँ से ऊपर जाके लास्ट में जाके आप पूरा सिटी देख सकते हो हाइट पे. मीनार बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मीनार. भवनाथ फेयर इज अ हेल्ड इन द फुट ऑफ द गिरनार ऑन महाशिवरात्रि. गिरनार जैसे पावागढ़ की तलेटी में हालोल है, वैसे गिरनार की तलेटी में जूनागढ़ है. तो जूनागढ़ में कौन सा फेयर होता है? आगे भी पढ़े थे ना हम गुजरात के फेयर्स आगे के चैप्टर्स में, तो भवनाथ फेयर होता है. अहमदाबाद सिटी की बात करें तो अहमदाबाद सिटी कुड बी अ नॉन एज अ हिस्टोरिकल सिटी. पहले से उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा है, काफ़ी फेमस सिटी रही है. आज के डेट में भी अहमदाबाद जाना किसको पसंद नहीं? पूरे गुजरात के पीपल्स की विश होती है कि अहमदाबाद जाए, एक बार घूम के आए. देन फोर्ट ऑफ भद्र, भद्र का फोर्ट यानी किला. जामा मस्जिद इज ऑल्सो देयर. मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिप्री, है ना, फिर मॉस्क्यू यानी कि वो भी मस्जिद ही होता है. फिर रोज़ा ऑफ सरखेज, देन वो भी मस्जिद ही होता है, नाम दिया गया है रोजा ऑफ सरखेज. फिर काकरिया लेक, ये तो सबको पसंद है, पूरा दिन निकल जाता है पता नहीं काकरिया लेक में, है ना, वो एडवेंचर पार्क्स वगैरह है ना. चलो, और फिर तालाब है. फिर शेकिंग मिनरेट मतलब झूलता मीनारा, है ना. अभी ऐसा है कि उसका जो साइंस है आज तक किसी को पता ही नहीं चल रहा. शेकिंग यानी थोड़ा वाइब्रेट करता है. अब कोई भी बिल्डिंग वाइब्रेट कैसे कर सकती है? तो ये रीज़न अभी तक पता नहीं चला, बट इट इज़ आवर बेस्ट आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर पॉइंट बोल सकते हैं, प्लेस बोल सकते हैं कि उस टाइम पे लोगों ने ऐसा बनाया. आज तक हम उसका रीज़न नहीं फाइंड कर पा रहे. देन फिर है सीधी सैयद की जाली। देखो इसमें देखो एक रेविंग देखो इसका, उस वक्त कोई मशीन नहीं था तो भी कितना एकदम बारीकाई से छोटे से छोटा क्रेविंग किया है ना। ये मस्जिद के बाहर का एक दीवाल है, वॉल है, और मस्जिद और बाहर और अंदर देखने के लिए जाली आती है ना। बट कितना आर्किटेक्चर लगता है, कितना मस्त लगता है। आजकल मशीन भी ऐसे नहीं बना पाते। सो दैट इज सीधी सैयदनी जाली ग्रिल। टेम्पल्स ऑफ हठी सिंह, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन रूपमती आर वर्थ सिंह, ये सारी चीजें जो है वो वर्थ सिंह है। आर्किटेक्चर ऑफ अहमदाबाद। सो द सेकिंग मिनरेट्स आउटसाइड द सारंगपुर दरवाजा इन रायपुर गोमतीपुर आर वेल नोन फॉर इट्स अनसॉल्व्ड सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन। वो क्यों वाइब्रेट करते हैं अभी तक किसी को पता नहीं चला, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी फेमस। द सीरी सैयद ग्रिल इज अ फेमस फॉर इट्स वेजिटेशनल एंड जियोमेट्रिकल क्रिएशन एंड द माइन्यूट क्रेविंग। माइन्यूट यानी बारीकाई से क्रेविंग की गई है। और वेजिटेशन इसलिए बोल रहा है, वेजिटेशनल और जियोमेट्रिकल इसलिए बोल रहा है, वेजिटेशनल यानी कि वनस्पति, तो ये ट्री जैसा शेप दिख रहा है और इसके अंदर थोड़े थोड़े जियोमेट्रिक शेप हो गए, स्क्वायर राउंड, है ना। तो ये जो क्रेविंग है इतनी छोटी क्रेविंग की गई है कि आज तक उसके जैसा हम डुप्लीकेट नहीं बना पाए थ्रू द क्रेविंग। फिर पाटन की बात करें, पाटन जो नॉर्थ गुजरात का सिटी है, कहाँ का है? नॉर्थ गुजरात का। सो वहां पे एक सहस्त्रलिंग लेक है, तालाब, सहस्त्रलिंग लेक बहुत फेमस है। ओके, स्टेपवेल ऑफ क्वीन, रानी की वाव जिसको बोलते हैं, ये वाला देखो कितना फ्लोर है, 12 फ्लोर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको फिगर में 1 2 3 4 तो दिखे ही देंगे। 12 फ्लोर नीचे जाना है ना, ग्राउंड तो आपका इधर है, लैंड एरिया तो ये रहा आपका, ये वाला लैंड एरिया है, वहां से नीचे, है ना। अब वेव क्यों बनाते थे, वाव क्यों बनाते थे, स्टेपवेल क्यों बनाते थे? टू स्टोर द वाटर, है ना, ताकि लोगों का जो नीड है वाटर का वो कंजर्व होके कंप्लीट कर सके। देन और उस वक्त मोटर वगैरह नहीं होता था, पंप्स वगैरह नहीं होता था, तो फिर निकालने के लिए वो ऐसे क्या रख देते थे, स्टेप्स रख देते थे, तो वहां से जाके हम निकाल सके। समझ में आया? बट इस मैनर में उन्होंने सिर्फ वेल एक ही सिर्फ ऐसा नहीं बनाया, उन्होंने इसमें आर्किटेक्चर्स भी, ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम, ये जो वॉल है, वो सब क्रेव किया। क्रेव किया यानी कि उसको एक अलग सा लुक दिया, इसलिए ये जो वाव है वो काफी फेमस है। रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, पाटन में सिद्धपुर है, सिद्धपुर का रुद्र महालय, दे आर द वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर ऑफ द पाटन। समझ रहे हो ना? गुड। सो द रून्स ऑफ द रुद्र, रून्स मतलब कि अभी कुछ पार्ट्स ही बाकी बचे, बाकी डिस्ट्रॉय हो गया है। रुद्र महालय इन सिद्धपुर सजेस्ट द ग्रैंडियर ऑफ द प्लेस which is situated 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पाटन। पाटन से 26 किलोमीटर पे सिद्धपुर है, सिद्धपुर में ये रुद्र महालय है, उसके जो थोड़े रिमेन्स बचे उससे हमें ग्रैंड्यूर्स मतलब कि उसकी जो फेम है उसके बारे में पता चल सकता है कि कैसा उसका मतलब कि स्कल्पचर एक्टिविटी होगा वहाँ का, कितना फेमस होगा और कितना बारीकाई से किया गया है। फिर उसके अलावा उदयमती क्वीन थी, उदयमती रानी थे भीमदेव वन के, है ना, उन्होंने वाव बनाई जिसको हम बोलते हैं रानी की वाव। क्या बोलते हैं? रानी की वाव। स्टेप वेल टू कैटर द नीड ऑफ द वाटर टू हर सब्जेक्ट्स यानी कि पब्लिक, विच इज नॉन एज स्टेप वेल ऑफ क्वीन यानी कि रानी की वाव। उन्होंने लोगों की वाटर नीड को कंप्लीट करने के लिए एक स्टेप वेल बनाया जिसको हम आज के डेट में क्या बोलते हैं? रानीनी वाव। यूनेस्को इंक्लूड दिस प्लेस, दिस वाव एज अ वर्ल्ड हेरिटेज monuments in a 2014. This wow indicates beautiful arrangement of the water harvesting for the public uses in ancient time. इतने बहुत पहले के टाइम में भी public uses के लिए water को कैसे बचाया जाता था, कंजर्व किया जाता था, वो इस wow के थ्रू हमें सीधा समझ में आ सकता है। सिद्धराज जयसिंह built a lake named सहस्त्रलिंग lake in a 1140. 1140 में सिद्धराज जयसिंह करके जो राजा थे सिद्धपुर के, उन्होंने कौन सा लिंग बनाया, कौन सा लेक बनाया? सहस्त्रलिंग लेक बनाया, वो भी वाटर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द फोर्ट ऑफ वडनगर, वहां पे वडनगर का फोर्ट किला है। अभी यार फोर्ट तो बहुत नॉर्मल हो गया है, गुजरात और राजस्थान में जाओ किले ही दिखने मिलते हैं, राजस्थान में तो खास, है ना। देन शर्मिष्ठा लेक, एक तालाब भी बनाया शर्मिष्ठा लेक। कीर्ति आर्चिस, आर्चिस मतलब तोरण, कीर्ति तोरण है ना, वॉल, दो पिलर होते हैं, ऊपर वॉल होते हैं, उस पर क्रे करके एंटर होने के लिए एक गेट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं तोरण. ओके, आर्चवर्क्स सीइंग मॉन्यूमेंट्स, आर्चिस यानी तोरण, आर क्रिएटेड इन अ टू इरेक्टेड पिलर्स, दो इरेक्ट यानी कि सीधे खंबे होके उसके ऊपर फिर तोरण को क्या किया जाएगा, केविंग किया जाएगा. क्रिएटिंग अ शेप लाइक अ बो, है ना, एक बो जैसा शेप क्रिएट करते हैं, गेट का शेप होता है ना लाइक दिस वन, है ना, ऐसा शेप क्रिएट करते हैं. शामलाजी टेम्पल सबको पता है, अंबाजी सब जाते हैं और बीच में शामलाजी में रुक जाते हैं, दर्शन करके ही जाते हैं ना. तो शामलाजी टेम्पल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मेस्वो, मेस्वो रिवर का नाम है, दैट इज अ एनिशिएंट प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स, बहुत ही पुराना टेम्पल है. एंड दिस आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज मार्वेलस, उसका जो आर्ट है वो काफी जबरदस्त है. मार्वेलस मतलब किसी के साथ कंपेयर ना किया जाए वैसा. हम सिर्फ आज तक गए होंगे, समझ में आया, ऐसे मस्तक नमाया होगा, प्रदक्षिणा की होगी फिर, बट अब जाओ तो अच्छे से देखना इसमें कौन सी चीज डेवलप आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके वॉल, उसमें छोटे 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 फिगर्स हो गए, आइडल्स बनाए गए होंगे, सब देखना. थोड़ा ब्लैक हो गया है आउटर सरफेस बट यू कैन चेक इट आउट. ओके, many stoops and vihars were built in Gujarat during the कश्यप पीरियड. कश्यप पीरियड मतलब कि जो कश्यप राजा थे उनके टाइम में काफी सारे विहार एंड स्तूप बनाए गए. बुद्धिस्ट रिलीजन आ गया, जब स्तूप और दूसरा क्या आता है विहार, तो बुद्धिस्ट रिलीजन आ गया. द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट, एक मिनट देना, okay. So the remains of the Buddhist tombs are found from the Bordevi of Junagadh district. Junagadh district का कौन सा place है? Bordevi, है ना. थोड़ा difficult रहेगा याद रखने में, लेकिन revision चाहिएगा. आपके पास time तो बिल्कुल नहीं, मैंने already बताया. 10th पढ़ना कोई ऐसी तैसी बात नहीं है, छोड़ दो तो सब time ही time है. अब ना छोड़ो तो time ही नहीं है, है ना, तो एक दो तीन बार में तो याद रहने वाला नहीं है, भूल जा रहा कि मैं दो तीन बार चैप्टर पढ़ लूँ और मुझे याद रह जाएगा कि कौन सा प्लेस कौन सा है, कहाँ पे कौन सा है। सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, सर यहाँ पे आके बोलेंगे अच्छा, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा हंस लेंगे, है ना, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। बट जब लिखने की बात आएगी आपकी, तब कुछ याद आएगा नहीं। गुजरात के प्लेसेस कल्चरल हेरिटेज के एक्सप्लेन करो तो सिर्फ पावागढ़ ही लिख के आओगे, मुझे पता है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पाटन के बारे में एक्सप्लेन करो, सिर्फ रानी की वाव ही घूमता रहेगा पूरे पैराग्राफ में। तो अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए होगी। हो फिर देवनी मोरी नियर सामलाजी, सामलाजी के नजदीक देवनी मोरी है। एंड देन इंतवा स्तूप इन गिरनार, गिरनार जो जूनागढ़ में है। बिसाइड दिस मेनी आर्किटेक्चर्स ऑफ द देवनी मोरी बाबा प्यारा केव्स थी, पता है ना, आगे हमने केव्स ऑफ गुजरात वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें वहां पे है देवनी मोरी। वो क्या स्तूप का नाम है, जैसे हमारे टेम्पल के नाम होते हैं वैसे बुद्धिस्ट में स्तूप होते हैं उनके नाम। और पढ़े थे ना आगे के चैप्टर में, ऐसे ओवेल शेप में होता है और इसके अराउंड लोग घूमते हैं। भूल गए, कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा एग्जामिनेशन में भी। अपर कोट, खपरा कोडिया, अभी मैंने बोला था, ये सब केव्स है। फिर खंबारेडिया, वहां पे भी केव्स है। तालाजा, साना, दांग, झिंझुरी झर, ओके, देन काड़िया डूंगर, इस सब जगह पे केव्स के अंदर स्तूप और विहार बनाए गए हैं जो बुद्धिस्ट रिलीजन के बिलोंग करते हैं। वाव क्या होता है, तो वाव ऑलरेडी मैंने बता दिया, वाव इज द वेल विद द स्टेप। ओके, वाव जो है वो एक वेल है जिसके अंदर स्टेप्स है, हैविंग 1, 2 और 3, 4 ओपनिंग एंड 3, 6 और 9 और 12 फ्लोर्स। 2-3 साइड ओपनिंग होता है सीढ़ी का, ओके, और कितने फ्लोर होता है, 4 से लेके 12 फ्लोर तक की वो डीप डेप्थ होती है। नंदा, भद्रा, जया एंड विजया आर द मेन टाइप्स ऑफ द वाव। ये वाव्स के टाइप्स है अलग अलग, ओके। स्टेपवेल ऑफ अडालज में भी एक वाव है विच इज नियर द गांधीनगर, गांधीनगर के नजदीक है, अडालज गांव है। स्टेपवेल ऑफ क्वीन ऑफ पाटन, है ना, पाटन में अभी बोला ना रानी की वाव। देन अडीकडी स्टेपवेल एट जूनागढ़, जूनागढ़ में अडीकडी वाव है। अपार्ट फ्रॉम दिस द नडियाद, अहमदाबाद, उमरेठ, नाम सीरी के याद रख लेना, नडियाद, अहमदाबाद, उमरेठ, कपड़वंश, वडवान, कलेश्वरी विच इज इन महिसागर डिस्ट्रिक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ द वाव आर्किटेक्चर। ओके, सब में वाव कहीं छोटी बड़ी दिखने मिलेगी। वैसे हमारे टाउन में भी एक वाव है, हेलिकल वाव, देखा है आप लोगों ने हेलिकल वाव? जो गेट है ना, जो गेट, उसके सामने तालाब है, जो तालाब ओवरफ्लो होता है। अब अगर जब जाते हो तो एक गेट आता है चंपानेर का, वहाँ पे तालाब है, तालाब में से ओवरफ्लो होता है तो लोग मानसून में जाते हैं, उसी के जस्ट सामने है हेलिकल वाव। वो कुछ नहीं है, एक सिलेंड्रिकल कुआ है, उसके अंदर ऐसे हेलिकल सीढ़ी है, इसलिए उसका नाम बन गया हेलिकल वाव। देयर आर मेनी जैन टेम्पल्स on Shetrunjaya mountains at a Palitana in a Bhavnagar districts। भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पालिताना है, वहाँ पे शेत्रुंजय पर्वत है, उसके ऊपर काफी सारे जैन टेम्पल्स है ना, जैन देरासर बोलते हैं जिनको। देन सो फ्यू ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ट इन 11th century, बहुत पुराने 11th century में बिल्डअप किए थे। देन तारंगना पिलीग्रिम, तारंगना एक धार्मिक स्थान है विच इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स नियर टिम्बा विलेज एट खैरूला तालुका ऑफ मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, मेहसाना में खैरूला तालुका, वहाँ पे टिम्बा विलेज है, वहाँ पे तारंजा पिलग्रिम है। द टेम्पल ऑफ तारामती, तारामती देवी का नाम है, गॉडेस का नाम है, ओके, तारामती इज ऑल्सो सिचुएटेड देयर। सोमनाथ टेम्पल को कैसे बोल सकते हो, ग्रेट सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है सोमनाथ टेम्पल। द्वारकाधीश टेम्पल जो देवभूमि द्वारका में है। डन हैज अ गेरियस हिस्टोरिकल हेरिटेज, ये दोनों भी काफी पुराने टेम्पल है और काफी इंपोर्टेंस रखते हैं। द लिस्ट ऑफ द गुजरात कल्चर हेरिटेज इज नॉट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड एट, हमने सिर्फ पढ़ा लेकिन क्या पूरा नहीं पढ़ा, हमने जो फेमस थे वो पढ़ा। मैनी सच प्लेसेस देयर इन अ गुजरात विच मेक्स अवर कल्चरल हेरिटेज रिच एंड प्रॉस्पेरियस। साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ एनिशिएंट इंडिया, तो टेम्पल्स ऑफ द साउथ इंडिया आर द फेमस फॉर द डिफरेंट स्टाइल। देयर दे वेर मेड इन अ द्रविड स्टाइल ऑफ आर्ट। मैंने बोला था आगे नागर द्रविड़ सब पड़े है ना, तो ज्यादातर ये जो साउथ के टेम्पल्स है वो द्रविड़ स्टाइल में बनाए जाते हैं। कौन से स्टाइल में? द्रविडियन स्टाइल में। दे आर अ पिरामिडल शेप विद द मल्टी स्टोर्स, है ना। अभी हमने कुछ मंदिर देखे थे, बृहेश्वर, विरूपाक्ष देखे थे ना कल के लेक्चर में, भूल गए? तो उसके ऊपर पता है ना आपको मल्टी स्टोर, मैंने बोला था हाइट को कंपेयर किया था, 30-30 फ्लोर तक का हाइट हो जा रहा था। देन तो मल्टी स्टोर्स होता है, काफी हाइट होते हैं, पिरामिडल शेप में होते हैं। वन अट्रैक्टिव स्टोन इज प्लेस्ड ऑन द टॉप, सिर्फ लास्ट में जाके टॉप पे एक अट्रैक्टिव स्टोन रखते हैं। वो क्या रखते हैं? स्टोन। जैसे गुजरात में जाओ तो गोल्डन का मुगट रखते हैं, देखना द्वारका में होगा, सोमनाथ में होगा, अंबाजी में होगा, है ना, हम देखा है आपने, गोल्ड मुगट होता है शिखर पे। जैसे वहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन रखते हैं। यार्ड ऑफ द टेम्पल वाज वेरी ह्यूज। यार्ड मतलब चौगान, जो मंदिर के बाहर की जगह होती है, दैट इज अ वेरी ह्यूज एट अ साउथ इंडियन टेम्पल। ओके, मैनी साउथ इंडियन टेम्पल्स वेर बिल्ड इन एनिशिएंट टाइम, और जिसको यहाँ पे टेबल में दिए है काफी सारी चीज आपने कल पढ़ ली थी, जैसे कि महाबलीपुरम पढ़ा था ना कल, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, कैलाश टेम्पल पढ़ा था कांचीपुरम तमिलनाडु में, बृहस्पति टेम्पल पढ़ा था तंजावुर तमिलनाडु में, विरूपाक्ष टेम्पल्स पढ़ा था पट्टडकल कर्नाटका। सिर्फ ये दो नहीं पढ़े थे, वो याद रखने हैं। पहला है परशुरामेश्वर टेम्पल विच इज इन भुवनेश्वर ओडिशा, एंड वैकुंठ पेरूमल टेम्पल विच इज इन कांचीपुरम तमिलनाडु। सब तमिलनाडु में है, दो को छोड़ के। Place of pilgrims, pilgrims of the India. So India has been land of pilgrimages since ancient time. धार्मिक देश है हमारा। Pilgrim मतलब कि धर्म स्थान, okay? Religions कोई जो places होते हैं वो। Peoples of the India go pilgrimages, लोग धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, जैसे हमारे grandpa, grandma को कहाँ जाना होगा? चार धाम यात्रा पे जाना होगा। अगर मुस्लिम है तो उनको वो क्या बोलते हैं, हज जाना होता। तो हम पहले से ऐसे ही लोग बच रहे हैं, इंडिया की जो कल्चर है पहले से ऐसा रहा है ना। अब ग्रैंडपा ग्रैंडमा जाए ना जाए, लेकिन आज का यंग जनरेशन पहले अमरनाथ जाता है ना। मेरा भोला है, कौन सा क्या गीत है, केदारनाथ जाते हैं, वही ना, वो चार धाम में आ ही गया केदारनाथ, है ना। फिर वो टिकटॉक बना लेते हैं, शॉर्ट्स बना लेते हैं, डन, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से पहले से इम्पोर्टेंट रहा हुआ है। द जर्नी वो कहाँ का है, जहाँ पे शिव की बड़ी मूर्ति है, लोग वीडियो बनाते नहीं, यहाँ कहीं और का है वो, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। द जर्नी ऑफ चारधाम एंड 12 ज्योतिर्लिंग्स इंक्लूड बद्रीनाथ। चारधाम की जो जर्नी है उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग्स होते हैं, ओके। बद्रीनाथ, अब देखो उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग तो है ही है, वो अलग अलग प्लेसेस पे, लेकिन जो उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर 4 मेन है। अब 4 मेन है ना, इंडिया के 4 अलग अलग कॉर्नर में है, जैसे कि देखो बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, ओके। फिर रामेश्वर जो तमिलनाडु में है, नॉर्थ साउथ हो गया। फिर द्वारका में जाओ तो भी शिवलिंग है ना वहां पे, ज्योतिर्लिंग, वो गुजरात द्वारका कौन से साइड आएगा, वेस्ट या ईस्ट? वेस्ट, बराबर। और फिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा ईस्ट साइड। तो देखो चारों साइड में 4 धाम जैसे बोलते हैं। मोरेवर पिलिग्रिम्स ऑफ 51 शक्तिपीठ्स। इसके अलावा ये 12 ज्योतिर्लिंग का तो है ही इम्पोर्टेंट, उसके अलावा माँ की जो शक्तिपीठ्स होती है, माँ के जो मंदिर होते हैं, ऐसे 51 मंदिर है। कितने टेम्पल्स है? उसमें से वन ऑफ देम वी हैव पावागढ़, ओके। एंड अमरनाथ यात्रा आर कंसिडर्ड एज अ वन मोस्ट इम्पोर्टेंट। अमरनाथ यात्रा 6 महीने चलती है, साल में 6 महीने बंद ड्यू टू द स्नो। उसमें है ना जो बर्फ होता है वो कवर कर लेता है रास्ता, गुफाएं ढक जाती है आइस की वजह से। फिर जब समर जैसा सीजन स्टार्ट होता है, मेल्ट होके रास्ता बनता है, तब जाके आप अंदर जाके ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए, फिर बाहर आ जाइए। 6 महीने तक चलता है। गिरनार जिसकी लिली परिक्रमा, गिरनार जो है सोचो कितना बड़ा है, 9,999 स्टेप्स है उसके। अभी सबसे लॉन्गेस्ट एशिया रेलवे बना, रेलवे का रॉपवे बना उसके ऊपर, पता है ना आपको, लॉकडाउन के बाद उसका इनॉग्रेशन हुआ। तो उसका बेस कितना लंबा होगा, उसके चारों ओर घूमना, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा, जिसको लिली परिक्रमा बोलते हैं, ओके। लाइकवाइज शत्रुंजय प्रदक्षिणा, शत्रुंजय पर्वत जो है माउंटेन, उसकी प्रदक्षिणा। नर्मदा प्रदक्षिणा, बहुत बड़ी रिवर है, वाइड भी है, उसका प्रदक्षिणा, उसके जो तट है, क्या बोलते हैं उसको, बैंक्स है, उसके ऊपर घूमना उसको बोलते हैं नर्मदा प्रदक्षिणा। हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इंडिया इज अ ट्रेजर ऑफ हाउस ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज देखना है तो इंडिया के अलावा कहीं नहीं देखने मिलेगा। ओके, सो इन दिस वे प्लेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज गेव इंडिया इन अ यूनिक आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड, है ना। हम नर्मदा पे हर साल एक फेस्टिवल होता है जिसमें पहले पूजा वगैरह की जाती है, आपने एक वीडियो देखा हो तो, और फिर बांध से साड़ी छोड़ दी जाती है। तो मतलब बोलते हैं कि नदी माता को साड़ी पहना रहे। अब ऐसा कौन बिलीव करेगा आउट कंट्री में। तो वी हैव अ जस्ट यूनिक फीचर, कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से एक यूनिक फीचर है हमारे। द टूरिस्ट फ्रॉम द इंडिया एंड अब्रॉड विजिट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर रेगुलरली, है ना। हम पावागढ़ पे भी जाए ना नॉर्मली तो भी एक दो दिन हमें दिखने मिलेंगे ही मिलेंगे फॉरेनर्स। ओके, सो दिस accelerates economical benefits as well as accelerate economical benefits of tourism industry in India. इसकी वजह से हमारा tourism काफी अच्छा है। 32 monuments of Indian culture and natural heritage have been included in the, ये पूरा वर्ड है, included in the World Heritage Site by UNESCO. टोटल हमारे 32 monuments अलग अलग places heritage के UNESCO के द्वारा World Heritage में include किए गए हैं। क्लियर हुआ? मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था, हाँ, तो 1 टाइम कल का और 1 टाइम आज का, 2 टाइम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देना है। देन तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट, और अगर 6 कंप्लीट हो जाता है तो 1 से 10 कंप्लीट हो गए। अभी कुछ और 2-3 दिनों के लिए मैं 11th एंड 13 चैप्टर करवाऊंगा सोशल साइंस का, फिर मुझे सिर्फ 19-20 करवाने रहेंगे, बाकी सब खत्म, और फिर आपके सोशल साइंस के 100 मार्क्स के टेस्ट चालू हो गए, है ना। मेरा काम खत्म होने आया है इसलिए मेरे फेस पे स्माइल है, आपके काम बढ़ गए हैं इसलिए आपके फेस दबे हुए हैं, है ना। बट अभी भी अपने काम स्टार्ट करेंगे तो बोर्ड के दिन मुस्कुराते हुए जाओगे, नहीं तो ऐसा सोच के जाओगे, है ना, क्या होगा क्या होगा, जल्दी से खत्म हो जाए जल्दी से खत्म हो जाए, फिर रिजल्ट भी आ जाएगा और जैसी एग्जाम दी होगी वैसा रिजल्ट आएगा। समझ में आया? इन शॉर्ट, अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से काम करना है ताकि हम रुके नहीं। ओके, 100 मार्क्स के 10, 15, 20 टेस्ट ले लूंगा तो सब हो जाएगा, लेकिन वो 20 टेस्ट में रेडी कर लोगे तो फिर बोर्ड में डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट अगर वो 20 टेस्ट को बाईपास करोगे तो काफ़ी सारे लोगों को हैबिट बन गई है, कुछ भी देते बाईपास कर दो, है ना। जैसे वर्कबुक देते, लेके गए ख़त्म, फिर लेके गए देना नहीं है ना। तो ये सब बाईपास करने की जो हैबिट्स है मुझे कुछ नया नया सिखा रही है। मैं क्या सीखा पता है, नेक्स्ट ईयर का मैं प्लान करूँगा, पहले से डिसाइड होगा कि इस चैप्टर में इतनी चीज़ें आने वाली है और वो पहले से लिखना होगा, है ना। और उसका पूरा एक सीट बनाने वाला हूँ कि इस बच्चे ने इस चैप्टर का ये किया कि नहीं। मैं ट्रैकिंग नहीं किया मैंने इस बार, मैं अब करना भी नहीं चाहता आपके लिए, आपका वो बेनिफिट्स हो गया। आप कुछ लोग बेनिफिट समझेंगे, कुछ लोग लॉस समझेंगे, वो तो इंडिविजुअली है ना। लेकिन मैं आपसे सीखा कि लोग यहाँ से ले तो जाते हैं, दे नहीं जाते, मतलब बताते नहीं है, चेक नहीं करवाते, फिर हमें भी भूल जाना है, उनको भी भूल जाना है। तो सारी पैटर्न इस बार काफ़ी सारी चीज़ें सही में करेक्ट होने वाली थी, लेकिन कोरोना ने आपको बचा लिया। इसमें मैं मेरे लिए नई सिचुएशन आ गई थी तो मैं उतना प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि कैसे जाऊं। पहले 2-3 महीने में लिबरल रहा कि अभी चालू हो जाएगा तो मैं करवा लूंगा, फिर वापस थोड़ा स्ट्रिक हुआ, वापस में लिबरल हो गया कि दीपावली के बाद तो चालू हो ही रहा है ना, देख लेंगे, चलो उस वक्त देख लेंगे, बच्चे घर पर कुछ नहीं करते चलेगा। दीपावली के बाद भी मेरा होप चला गया, तो अब मैं 3 दिन मिलने का प्लान कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, है ना। क्योंकि मेरा जो स्टिक है यहाँ पे बोर हो रहा है बिल्कुल भी, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं मिल रहा है प्ले करने का, है ना। तो होप्सो आप इंस्ट्रूमेंट मत बन जाना, अपना काम करके रखिएगा। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।